खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां रतनपुरा गांव में विधायक अमित चाचाण और पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं सरपंच और रिटायर्ड अध्यापक ने विधायक और प्रधान को चांदी का मुकुट और राजस्थानी पगड़ी के साथ ही शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस समारोह में कोरोना काल में श्रेष्ठ कार्य करने वाले पत्रकारों सहित प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने विधायक के सामने पक्की सड़क बनवाने की मांग भी रखी। इन्होंने कहा स्पेन संघ ने बताया ये जरूर कुछ समस्या रही। पिछले दिनों जो पोर्टल होता है बैंक का 12,000 पेंशन जैसे एफडीओ लगा पैसा उसमें डाला, सर्वर की गलती की वजह से कोई कमी की वजह से एकदम से 12,000 पेंशन वापस लौटा दी गई ट्रेजरी में, ये बोल के खाते बंद, जबकि वो खाते बंद नहीं थे, उनमें दिक्कत आई, कोई टेक्निकली प्रोग्राम आई ऑनलाइन के अंदर और उन 12,000 खातों का वापस भौतिक सत्यापन कराने के लिए। आप मान सकते हो कि अनपढ़ व्यक्ति से वापस भौतिक सत्यापन कराना ही मित्र के माध्यम से कितना मुश्किल काम होता है। आज हमारे गांव रतनपुरा में अमित जी चाचाण व प्रधान सोन जी ढिल ने 60 लाख रुपए से निर्मित 4 कामों का लोकार्पण किया, जिसमें से प्रथम राजीव गांधी सेंटर का जीर्णोद्धार कार्य 7-8 नंबर वार्ड में रिजन बस्ती में इंटरलॉक व खड़ुंजा निर्माण कार्य है। लंबे अरसे के बाद नोहर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपने बीच में रहने वाले अपने जाए जन्मे को बेटे को विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा और उसने महसूस किया कि वास्तव में अपना कोई बनता है तो क्षेत्र की किस तरह से विकास की बातें करता है।